दुनिया में कई ऐसी अद्भुत जगह और इमारतें हैं जो सदियों पुरानी हैं। सबसे खास बात है कि उनसे कुछ न कुछ रहस्य जरूर जुड़े होते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यमयी चर्च के बारे में बताएंगे जो कि 800 साल पुराना है। इसके बारे में पीछे जो कहानियां प्रचलित हैं उन्हें जानकर तो हर कोई हैरान रह जाता है। दुनिया भर के लोगों के बीच ये चर्च आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इन्हें देखने के लिए हर जगह से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आते रहते हैं। दरअसल यहाँ पर कई चर्च हैं जिनको लालीबेला चर्च के नाम से जाना जाता है, जो इथियोपिया के लालीबेला शहर में मौजूद है। यहाँ कुल 11 ऐसे चर्च हैं जिनको चट्टानों को काटकर बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। कहते हैं कि लाल और नारंगी रंग की ये चट्टानें ज्वालामुखी फटने के बाद उनके लावा से बनी है। माना जाता है कि इन चर्चों का निर्माण 12वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच कराया गया था और इन्हें बनवाने का काम लालीबेला नाम के राजा ने, जो कि जांगवे राजवंश से संबंध रखते थे, उन्हीं के नाम पर यह शहर का नाम लालीबेला पड़ा था और चर्चों को भी लालीबेला के चर्च के नाम से ही जाना जाता है। कहते हैं कि राजा लालीबेला चर्चों को बनवाकर इस जगह को अफ्रीका का यरूशलेम बनाना चाहते थे। आपको बता दें कि यरूशलेम ईसाई धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इस शहर को ईसा मसीह की कर्म भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर 150 से ज्यादा चर्च है। एक अनुमान के मुताबिक चट्टानों को काटकर इन चर्चों को बनवाने में करीब 20 साल लगे थे। इन्हें हथौड़े और छेनी जैसे मामूली औजारों से बनाया गया था। और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि एक चर्च को दूसरे चर्च से जोड़ने के लिए चट्टानों को काटकर नीचे की नीचे सुरंग बनाई गई है। यहाँ मौजूद 11 चर्चों में बेत अबा लिबानोस अपने वास्तुकला के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। इसे एक विशाल चट्टान को किनारे से काटकर बनाया गया था। इस चर्च की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी तीन ओर से दीवारें ही नहीं है, यह एक बड़ी चट्टान की तरह लगता है। इन चर्चों के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि इन्हें स्वर्ग से आए देवदूतों ने बनवाया है। लालीबेला के लोगों के बीच यह कहानी प्रचलित है कि दिन के समय में यहाँ मजदूर काम करते थे और जब रात हो जाती थी तो वो सोने चले जाते थे। तब स्वर्ग से उतरकर देवदूत चट्टानों को चर्च का आकार दे देते थे। साल 1978 में इन चर्चों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था।